हेलो एवरीवन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे जिस बात का डर था वही फाइनली हो चुका है वो बोलते हैं ना कि एक इंग्लिश में फ्रेज है ऑन द कार्ड ये चीजें ऑन द कार्ड हो चुकी है कि अब आपका एग्जामिनेशन जो है तय समय पे ही होगा यानी कि आपका एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर के दूसरा सप्ताह में जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा अब आप बोलोगे कि सर सिलेबस का क्या हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे और जो खबर आई है कहाँ से खबर आई है कि मुझे एग्जामिनेशन जो है ये होने ही वाला है इसके बारे में कैसे पता चला है ईच एंड एवरी आपको क्लियर बताया जाएगा और एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं चाह रहा हूँ लाऊँ कि जो कम समय में जेटेड की एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आज रात या फिर प्रोबेबली कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी

उनके लिए चक्चू पब्लिकेशन की ओर से सबसे बेस्ट बुक आई है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी दो वजह है दो इनकी अलग अलग बुक आई है पहली है कि आप इनके गाइड को पढ़ोगे इसमें डिटेल में जो है डिटेल में जो है 2016 जो हजार 2016 हुआ था उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है सारा स्टडी मटेरियल तैयार किया है वहां से आप जो है गाइड को पढ़ सकते हो और सरसरी नजर पर अगर आपको सिर्फ वन लाइनर पढ़ना है कि चलो आखिरी एक दो महीने का समय है तो मैं कहूंगा कि आप गाइड जरूर लें बाकी आखिरी समय में प्रैक्टिस के लिए आप इनकी दूसरी बुक को ले सकते हो जहां पे आपको जो है तीन हजार से भी ज्यादा एमसीक्यू आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर भी ऐड किया गया तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि आप दोनों बुक को परचेज कर सकते हो चक्षु पब्लिकेशन के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगा रखा है वहां से आप जो है डायरेक्ट परचेज कर सकते हो बाय द वे यहां से मैं आपको बता दूं आप फ्लिपकार्ट एमेजन या फिर गूगल आई मीन गूगल पे भी सर्च करके आप जा सकते हो इनका मोबाइल नंबर भी है जिनको दिक्कत आ रही हो बुक परचेज करने में वहां से भी आप जो है देख सकते हो तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनेशन को लेकर मैं इतना एश्योर क्यों हूं और एग्जामिनेशन जो है ये होने ही वाला क्यों है अबाउट टू हैपन यहां से देख लीजिए आपको कुछ स्कूलों के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे अगर मैं काउंट करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन टोटल सत्रह और ये जो है सिर्फ एक ज़िले का है और ऐसे ही लेटर आपको अदर अदर ज़िले में आई मीन अदर अदर डिस्ट्रिक्स में आपको जो है देखने को मिलेगा तो जल्द ही जो है ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाएगा ये देखिए जामताड़ा का है जामताड़ा में जो डी स्कूल है या फिर संत जोसेफ स्कूल है या फिर जे जिला उत्कृष्ट विद्यालय है सभी स्कूलों या फिर जो जो प्लस टू स्कूल्स हैं वहाँ की लिस्ट है और इन सभी लोगों के जो प्रिंसिपल हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं उनको बोल दिया गया कि रेडी रहिए एग्जामिनेशन जो है है जल्द होने वाला से देख लो आप दो हजार चौबीस की डेट यहां पे लिखी हुई है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन कराने के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं इनकी सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये है यानी कि एग्जामिनेशन आपको भी पता है कि ओ एम आर पे होने वाला है ऑफलाइन मोड पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो इसलिए जो है ये आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा और इन जगहों पर एग्जामिनेशन होगा के ये जो लिस्ट है, यहां से आपको देखने को मिलेगा अब यहां से आप चीजों को देख सकते हो उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार जो है बोला गया है कि जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली दो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा कहां पर इसके अलावा सहायक आचार्य के अलावा जो उर्दू सहायक आचार्य हैं इनकी भी जो है पात्रता परीक्षा होगी यानी कि उर्दू शिक्षक भी यहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे इसके अलावा आप लोगों को बोला गया है देखो यानी कि इन प्रिंसिपल को बोला गया कि आप जो है ये देखो इनसे बोला गया कि देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको अजीब दिखेगा बट कोई नहीं कि शैक्षणिक संस्थान में सी है या नहीं है चार दीवार है या नहीं है पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं है या फिर टॉयलेट वगैरह है या नहीं और मोबाइल नंबर आपको ये ये छोटा सा इन कॉलम बोला गया है और इनको जो है एक बेंच पे जो है तीन बच्चों को ये बैठाएंगे यहाँ पे देख लो इन्होंने लिख रखा है कि ये एक बेंच पे तीन बच्चों को और छोटे वाले बेंच में दो बच्चों को ये बैठाएंगे दो एस्पिरेंट को ये बैठाएंगे तो इन्होंने जो है अपनी सारी जो है यहाँ पे बातें बता दी गई है और जल्द ही आपको जो है एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा और वो बोलते हैं ना कि जैसे देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं मैंने आपको बताया था कि सेकेंड सेप्टेंबर आई मीन दूसरा सप्ताह में जो है सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला था और ये था नहीं बिल्कुल है सर जो सरकार है वो हर हाल में अपने तर्कस में हर तीर को रखना चाहती है ताकि अगर सहायक आचार को लेकर कुछ इनको डिसीजन लेना हो एक्चुअली सहायक आचार में आपको भी पता है कि जे टेट दो हजार सोलह भर से सी टेट हो रहा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सरकार का भी पक्ष है कि सभी को समायोजित किया जाए तो ऐसे में अगर जे की एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लिया जाता है और जो बच्चे सहायक आचार में भी क्वालिफाई हैं है और जे में भी क्वालिफाई हैं है, उनको लेकर कुछ पॉजिटिविटी से जो है चीजें आगे बढ़ेगी तो यह अच्छी बात है एग्जामिनेशन जितनी जल्दी हो सके एग्जामिनेशन हो जाए और जीटेट की तैयारी कैसे करना है देखो आप अगर इसको जा इसके थर्टी परसेंट के सिलेबस को ही टच कर पाओगे अब बोलोगे ऐसा क्यों क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश यहां पर जो पूछा जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा सी के अकॉर्डिंगली सी में आपको ज्यादा से ज्यादा पैडोगोजी देखने को मिलती है यहां भी पैडोगोजी देखने को मिलेगा यहां भी आपको बाल विकास देखने को मिलेगा बट इन अ डिफरेंट वे यहां पे आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा यहां पे ज्यादा आपको ग्रामर पूछा जाएगा झारखंड जीके है या नहीं है इसके बारे में हम लोग जो है बाद में बात करेंगे एक्चुअली झारखंड जीके का सिलेबस को लेकर जो है अभी तक उसमें जो है बातें क्लियर नहीं की गई है सिलेबस में ये बातें नहीं बताई गई है तो खैर सिलेबस का भी हम लोग सिलेबस को लेकर आपको देखिए वेट करना होगा अगर सिलेबस सरकार नहीं जारी करती है तो ऐसे में तैयारी को आप लंबे समय तक अटका के नहीं रख सकते हो आपको तैयारी करनी ही होगी देर इज ए नो सेकंड ऑप्शन आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं ऐसे में आप जेटेड 2016 का देखिए वन टू फाइव के लिए मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है वो वीडियो का लिंक जो है आप प्ले में जाकर देख सकते हो या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाए दूसरी उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसके अलावा 2016 के जो एसएसटी का पेपर है उसका भी जो है प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ एस एस टी का भी सिलेबस और साइंस का भी सिलेबस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा मैं चाह रहा हूँ कि दो हज़ार सोलह के अकॉर्डिंग एटलीस्ट अभी आप पढ़ना शुरू करो और बाद में जो चीज़ें होगी और हम लोग उसके बारे में जो है बात करेंगे जब भी सिलेबस वगैरह को लेकर जो है जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो ये वीडियो थी अभी तक जो मेरे मेरे बेस्ट नॉलेज में जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल हंड्रेड परसेंट को लेकर चलो कि एग्जाम आपका जो है सितंबर के से, सेकंड वीक में आपका हो जाएगा अब सिलेबस को लेकर देखिए स्थिति जो है खराब ही बनी हुई है और मेरा जहां तक मानना है ये आप फिफ्टी फिफ्टी कंसर्न कर सकते हो कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जो है चांसेस है कि सिलेबस आ सकता है सिलेबस नहीं भी आ सकता है बात आती है कि खोट्ठा या फिर नागपुरी या पंचपरगनिया वाले बच्चे क्या पढ़ें तो एज ऑफ नाव आप इनके लेखक परिचय को पढ़ लें कवि परिचय को पढ़ लें कि किन किन लेखकों ने कौन कौन सी किताबें लिखी है कौन कौन सा कवि परिचय आई I मीन mean, कौन सी कविता लिखी है और कौन कौन सा नाटक लिखा है तो उन किताबों को अच्छे से पढ़ लें उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें वहाँ से सिलेबस में जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ग्रामर से क्वेश्चन आप पढ़ कर रहे हैं और बाकी सिलेबस आता है तो ठीक है अदरवाइज नहीं भी आता है तो भी आप काम कर कर आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो ये थी वीडियो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें लाइक करें आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं भी और जो पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे आखिरी में मैं आपको बता दूं जेटेट को लेकर जिनका वन टू फाइव जो बुक है जिनको वो पढ़ना चाहते हैं वन टू फाइव जिनका एग्जामिनेशन है तो डेफिनेटली ये बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ये गाइड में सारी बातें बता दी गई है और एमसीक्यूज के माध्यम से भी जो है आप पढ़ाई कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है लिंक आपको दे दिया गया है वहां से जो है आप इस बुक को परचेस कर सकते हो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हैव अ गुड डे